रही पांचों विधानसभा की मतगणना के लिए जिला प्रशासन की ओर से पुख्ता प्रबंध किए गए थे। जिला उपायुक्त एवं निर्वाचन अधिकारी विनय प्रताप सिंह स्वयं विभिन्न बूथों पर मतगणना केंद्रों पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे थे। उन्होंने बताया कि सभी केंद्रों पर मतगणना का कार्य शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। वहीं दूसरी ओर करनाल जिले के अंतर्गत आने वाली पांच विधानसभा में से तीन पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा विजय हासिल की गई, जिसमें मनोहर लाल खट्टर करनाल से, रामकुमार कश्यप इंद्री से और हरविंदर कल्याण घरोंडा से विजयी रहे। वहीं असन से कांग्रेस के उम्मीदवार शमशेर सिंह गोगी विजयी रहे एवं नीलोखेड़ी से आजाद प्रत्याशी धर्मपाल गोंदर विजयी रहे। इस प्रकार करनाल में बीजेपी द्वारा अपनी दो सीटें नीलोखेड़ी में और असन गवा दी गई। इस अवसर पर मतगणना के समय समाचार एक्सप्रेस की टीम द्वारा विभिन्न लोगों से बातचीत की गई एवं मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की गई। देखिए एक विशेष रिपोर्ट बनाए रखें। बिल्कुल, देखिए इस समय काउंटिंग की प्रक्रिया जारी है और हमारी पांचों विधानसभाओं के जो भी काउंटिंग सेंटर्स हैं वहाँ बड़ी शांति से इस प्रक्रिया को किया जा रहा है। और क्योंकि इस बार रिजल्ट भी हमारे साथ साथ ऑनलाइन पोर्टल पे उपलब्ध हैं, तो इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन एसिमेट्री भी नहीं है, तो मुझे मानना है कि पूरा जो प्रक्रिया है वो पीसफुल रहेगी और इस तरह की प्रक्रिया को हम लगभग 2-3 घंटे में जो समय रहेगा। जीत के बाद कोई नेता जश्न मनाता है तो वहाँ पर कोई लड़ाई वगैरह ना हो, उसको देखिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इसमें साथ साथ हमारे जो ड्यूटी मैजिस्ट्रेट्स भी हैं, विशेष इस तरह के जो पार्टीज की रैलीज हैं, जश्न हैं, उससे संबंधित भी लगाए गए हैं। मुझे मानना है कि करनाल में हर तरह से शांतिपूर्ण तरीके से काउंटिंग की जाए। सर, पांचों विधानसभा क्षेत्र में कोई ईवीएम टेम्परिंग का कोई अब नया मामला तो नहीं कोई सामने? देखिए, कोई ईवीएम टेम्परिंग का मामला पहले भी नहीं था, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, ये सारी भ्रांतियाँ हैं। और इस समय काउंटिंग एक अच्छे ढंग से सभी विधानसभाओं में हो रही है, लगभग 8-9 राउंड लगभग हर विधानसभा में कंप्लीट हो चुका। थैंक यू। तो आप देख रहे थे कि रुक नहीं रही है, शुरुआती रुझान है, लगातार बढ़ रहे हैं। जहाँ तक आप 1 लाख के पार के दावे की बात कर रहे हैं, वोट प्रतिशत कम होना ये लोकतंत्र में केवल भाजपा के लिए नहीं सभी पार्टियों के लिए चिंता का विषय है। बिल्कुल, एक दिक्कत है नवीन बत्रा जी कि आप ये लोग क्यों नहीं मानते कि कहीं ना कहीं चूक रही है, कहीं ना कहीं कमी रही है। आप पोलिंग बूथों तक जनता को नहीं लेके आ सके, आपके कार्यकर्ताओं में कमी रही है तभी लोगों ने वोट नहीं दिया। ये जिम्मेवारी आप, मैं तो नैतिक रूप से कहूंगा कि हम सबको प्रयास करना चाहिए था, प्रत्येक पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात है ये, केवल एक नहीं कि भाजपा की जिम्मेवारी नहीं थी कि प्रत्येक बूथ से वोट लेके आना। लेकिन देखिए आप ये देखिए, वोट निकलने वाले हैं उसमें मत प्रतिशत भाजपा का 70-60% रहने वाला, इतना दावा हम करते हैं, पहले भी करते हैं। देखिए 75 पार का दावा छोड़िए, आप तो 40 पार भी नहीं हो रहा, मुश्किल में फंस गए। देखिए भाजपा अपने दम पर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है, अभी आपको कुछ ये मजबूत सरकार होगी, मजबूर सरकार होगी। देखिए सरकार मजबूर या मजबूत नहीं होती, सरकार केवल सरकार होती है। करनाल में 1 लाख का दावा था, करनाल में 1 लाख का दावा था, लेकिन उसके साथ आप ये भी जानते हैं कि मत प्रतिशत किस प्रकार से कम रहा, केवल भाजपा के कार्यकर्ताओं की मेहनत के अनुरूप ये जो परिणाम आए हैं, इतने लोगों ने निकल के वोट किया। बाकी के लोगों के तो बस्ते साहब 12 बजे तक खत्म हो गए थे, उनके पोलिंग एजेंट भाग गए थे, ये भाजपा के कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम यहाँ तक आ रहा है। लेकिन अगर आप मत प्रतिशत की बात करेंगे, अभी भी सबसे ज्यादा मत प्रतिशत के साथ हरियाणा में भाजपा सरकार बनाने वाली है। पार का नारा कहाँ है? वो नारा तो फेल हो गया, फेल हो गया ना। तो अभी 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 समय है, अभी साथियों अभी समय है, 1 घंटे बाद ये परिस्थिति फिर बदलेगी और कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनने। मैंने एक जने नु बोल रहा था दोनों कैच कर लो। हाँ जी हाँ जी। टेबल नंबर 2 पे मेरी ड्यूटी थी, 8वां राउंड था, 500 गेट की जैसे मशीन खुली, टोटल वोट 616 दिखा रही है जो पोल हुई है, लेकिन मशीन ना टोके दिखा रही है। बार बार ट्राई किया गया, मशीन नहीं खुली, उसका ये कह दिया गया कि लास्ट में इस मशीन की जो है ना काउंटिंग, वो भी पता नहीं कौन सी मशीन है, इन पे उससे चेक करवाएंगे, इसका रिजल्ट माइनस में रखा जाएगा। क्या शंका आपका, क्या व्यू है आपका, क्या क्या? मेरा तो दिल था कि शायद इस मशीन में गड़बड़ेशन करी है, प्रत्यक्ष को कोई मान की जरूरत नहीं, इसलिए मशीन बंद पाई। ये तो हो गया कि मशीन ने रात को सुरक्षित नहीं रखी गई। इसकी कंप्लेंट की है? आपका शुभ नाम। इसकी कंप्लेंट की है कहीं? दुनिया जानती है। इसकी कंप्लेंट की है कहीं? दुनिया जानती है। 35,000 वोट मिली है, अभी एक मशीन खराब है, तो अभी थोड़ी देर में फैसला आ जाएगा। 35,000 और जो कल तक ये कहते थे 1,25,000 से जीतेंगे हम, दूसरे कहते 1,00,000 से जीतेंगे, उनका रथ हमने यहाँ करनाल में रोक दिया है। इससे साफ जाहिर है जिन्होंने ये क्लेम किया था त्रिलोचन की जमानत जब्त हो जाएगी, उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी है, मैं कांग्रेस का सिपाही था,
मैंने पीठ नहीं दिखाई, मैं लड़ाई पूरी लड़ी अपने साथियों के सिर पर, अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सिर पर लड़ाई लड़ी, उन्होंने पीठ नहीं दिखाई, कांग्रेस सिपाहियों कांग्रेस में रहा। जो कल तक ये क्लेम कर रहे थे जमानत जब्त हो जाएगी, मैं दोबारा कहता हूँ उनको भाजपा छोड़ देनी चाहिए। सर 75 पार का नारा था, क्या कहेंगे? 75 पार का नारे से मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि अभी मेरे को पूरा रिजल्ट नहीं पता। लेकिन जो कह रहे थे वधवा ले लिया, जयप्रकाश गुप्ता ले लिया, मराठा ले लिया, कोई आदमी उन्होंने छोड़ा जिसको उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन ना कराई हुई है, उसके बाद भी 25,000 वोट 30,000 वोट उनकी कम हुई। कांग्रेस ज्वाइन कराई, बीजेपी ज्वाइन कराई, जी सॉरी बीजेपी ज्वाइन कराई, तो उसके बावजूद भी वो पीछे पिछड़ गए। आपको अभी तक नजर आया सरकार, लोग जो है सरकार तो खुश नहीं सन, इन्होंने कार्यशैली तो खुश नहीं सन, कुछ लीडर सिर्फ सेल्फी खिंचते हैं, खट्टर साहब ने जाकर फोटो खींचते हैं, उन्होंने ग्राउंड तक बिल्कुल काम नहीं किया। और खट्टर साहब ने समझना चाहिए भी ये कागजी बनने को दूर रहन, और राजनीति करना भी रहना चाहन तो राजनीति ढंग न करो। हूँ तुम दसो आपको अभी तक कितने वोट मिले हैं और कितने? 35,000 से ऊपर है अभी, एक राउंड बढ़ गया है, लगभग 35,000 से ऊपर है। तो हरियाणा में बड़े बड़े दिग्गज बीजेपी के हार गए हैं, कारण कहीं जनता में नाराजगी थी? जनता में जो 75 पार का नारा बिल्कुल खोखला था, जनता में बड़ी भारी नाराजगी है। करनाल में भी अगर ये उच्च हथकंडे ना बनाते, ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग ना करते, यहाँ भी रिजल्ट कुछ और होने वाले थे। इन्होंने पहले दिन से ही हमारे को बड़ा तंग रखा, हम प्रेस वगैरह में इसलिए नहीं गए कि हम इसमें उलझ करा जाएंगे, हम काम करते रहे। इन्होंने हमारे साथियों को रोकने की कोशिश की, काम करते, हमारी गाड़ियों को रोका, हर तरह का प्रशासन ने हथकंडा बनाया हमारे को स्पीड को रोकने का। अगर ये उच्च हथकंडे ना बनाते और सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर लग जाते तो आज रिजल्ट कुछ और होता। त्रिलोचन जी, कहीं ना कहीं आपको महसूस हुआ कि कांग्रेस के जो वर्कर थे वो पूरी तरह आपके साथ नहीं आए? आपने खुद भी ये बात कही है कि वर्कर आए, कई लीडर नहीं पहुंच सके, लीडर नहीं पहुंच सके, ध्यान रखना मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा नहीं आया, कई लीडर नहीं पहुंच सके, किसी कारण नहीं पहुंच सके। लेकिन त्रिलोचन जी, आपको बहुत अच्छे वोट मिले हैं करनाल से, तो क्या कहना चाहेंगे करनाल के लिए? मैं लोगों का तमाम जिंदगी, मेरे जितनी जिंदगी रह गई है, तय दिल से सलाम करूंगा, और कार्यकर्ताओं का, उन भाइयों का। हम पहले दिन से जब मीटिंग की थी, हमने 3 आदमी थे, 3 से अगर हम 35,000 वोट जा सकते हैं, अगर सारा ग्रुप बड़ा इकट्ठा, मेरे को 1-6 महीने पहले पता होता, मैंने इलेक्शन लड़ने, आज हम दिशा बदल कर रख देते करनाल। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और जमीनी लेवल पर मैंने हमेशा काम किया। तो ये माना जाए कि भविष्य में अब कांग्रेस की करनाल से टिकट के दावेदार भी रहेंगे आप, और करनाल से अपनी तैयारी को जारी रखेंगे? मेरे ख्याल से किसी और को क्लेम करना भी नहीं चाहिए, अगर कोई क्लेम करता है आज, अगर कोई काम नहीं आ सका, अगर वो क्लेम करता है उसको पहला मेरे को आगे रख के फिर क्लेम करना। तो फायदा मिला किस फैक्टर का फायदा मिला आपको? प्यार का, लोगों का जो प्यार था उनका फायदा। तो लोचन जी, आपने उम्मीद की थी कितने वोट आपको मिलेंगे, क्योंकि सरकार भी थी यहाँ पर, मुख्यमंत्री से आपका सीधा मुकाबला था? मैं पहले कह बैठा हूँ, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग ना होता, और बीजेपी होच्छे हथकंडे ना बनाती, खरीद फरोख्त की बात ना करती, तो शायद मेरी आज वोटें के डबल होती। इन्होंने हर तरह का हथकंडा बनाया, मेरे को भी खरीदने की कोशिश की गई, ये मैं फिर किसी स्टेज पे बात करूंगा, मेरे को भी खरीदने की कोशिश की गई, लेकिन मैं कांग्रेस सिपाही था, मैं छाती में गोली खा सकता, पीठ में नहीं खा सकता, मैंने पार्टी से गुदारी नहीं कर सकता। आज मैं आपके बीच में हूँ, भाइयों के बीच में हूँ, मेरे चंद सहयोगी जो पहले दिन से लेकर अखीर तक मेरे साथ रहे, उनका तय दिल से शुक्राना करता हूँ, करनाल के कार्यकर्ताओं का और करनाल की पब्लिक का, जो उन्होंने मेरे को प्यार दिया और सीएम के सामने मेरे को चट्टान की तरह खड़ा कर दिया। जैसे कांग्रेस ने संकट मोचक के रूप में आपको खड़ा किया, जब कोई नहीं था मैदान में जब आपको खड़ा किया, और उसके बाद भी आप 35,000 के आसपास पहुँच रहे हैं। देखिए 35,000 में पहुँच रही है तो कार्यकर्ताओं का और करनाल के लोगों का प्यार है जिन्होंने 35,000 में पहुँच पाया, वरना इससे पहले भी चुनाव हुए हैं, लोग 10-12,000 में निपट गए, ये 35,000 में आया। अगर लोग तो ये कहते बीजेपी वाले इसकी जमान जब्त हो जाएगी, 7,000 से ऊपर कोई बोल ही नहीं रहा था, तो उनको राजनीति छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस का ग्राफ पड़ेगा आने वाले समय में, कांग्रेस का ग्राफ पड़ेगा, सरकार बनाने जा रही है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, परमात्मा ने चाहा कांग्रेस सरकार बनी तो करनाल के लोगों के दुख और सुख में मैं वो मेरे तमाम साथी काम आएंगे। वहीं दूसरे और जिला उपायुक्त द्वारा इंद्री विधानसभा के लिए मतगणना केंद्र डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया गया
और लोगों द्वारा मतगणना होने से पहले उम्मीदवार के विजयी होने के बारे में फैलाए जा रहे भ्रम के बारे में पत्रकारों के साथ अपने विचार साझा कहे। जिला उपायुक्त ने कहा कि अभी तक मतगणना पूरी नहीं हुई है। मतगणना पूरी होने के बाद निर्वाचन अधिकारी विजय उम्मीदवार के बारे में घोषणा करेगा। वहीं मतगणना केंद्र के बाहर आजाद प्रत्याशी राकेश कंबोज के समर्थकों द्वारा रोष स्वरूप नारेबाजी की गई है। मैं आपको लाइए ब्रीफ कर देता हूं। बाहर सर काउंटिंग को लेके अफवाह चल रही है। यहाँ करनाल जिले में इंद्रिय विधानसभा के काउंटिंग सेंटर में आज यहाँ पर काउंटिंग की प्रक्रिया अभी जारी है। कुल 16 राउंड में काउंटिंग की जाएगी, उसके बाद वीवीपैट की पर्चियों को गिना जाएगा। फिलहाल इस समय 13 राउंड की काउंटिंग हो चुकी हैं, उसके रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं। 14वें राउंड की ईवीएम्स का कार्य अभी काउंटिंग का प्रगति में है। तो इस तरह की अगर कहीं भी बात किसी भी चैनल से अफवाह आई है कि अगर काउंटिंग पूरी हो गई है, तो मैं आपको मीडिया के माध्यम से सभी को ये बताना चाहूँगा कि अभी सिर्फ 13 राउंड की कंप्लीट हुई है, 2.5 राउंड अभी बचे। इंद्री की या सारी जगह की सर? नहीं, सिर्फ इंद्री। इंद्री की नीलोखेड़ी हो गया सर? हाँ, बाकी जगह हमारी जो काउंटिंग है वो लगभग कम। नीलोखेड़ी सर कौन? अब वो तो आपको रिटर्निंग अधिकारी बता पाएंगे, मेरा अधिकार नहीं है। वहाँ भी ऐसा इशू आ रहा है। कहाँ पर जी? नीलोखेड़ी। नहीं, किसी तरह का यहाँ भी कोई इशू नहीं है, परंतु यहाँ पर एक विषय कुछ साथियों ने उठाया था कि काउंटिंग पूर्ण हुई है या नहीं हुई है, इस बारे में संदेह था। तो मैं यहां आप सभी के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, 13 राउंड की ही काउंटिंग अभी खत्म हुई है, 14वां राउंड इस समय चल रहा है। टोटल 16 राउंड इंद्री विधानसभा के काउंटिंग के आएंगे। दो राउंड और रहते हैं, दो राउंड शेष हैं, उसके बाद ही रिटर्निंग अधिकारी रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे वीवीपैट की पर्चियों को गिनने के। अफवाहों पर ध्यान न दिया अभी? बिल्कुल, इस 100% इस तरह के किसी भी रूमर पे कोई ध्यान न दें। ठीक है सर। मैं गुरु नानक राइस मिल तरावड़ी से मलकी सिंह सभी प्रदेशवासियों को दिवाली और गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। श्री गुरु नानक देव जी और लक्ष्मी जी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। तरावड़ी राइस मिलर्स एंड डीलर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट तथा गुरु नानक राइस मिल के चेयरमैन सरदार मलकीत इंद्र सिंह कंबोज की ओर से सभी देशवासियों और तरावड़ी नगर वासियों को धनतेरस, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के साथ साथ आप सभी को शुभ दीपावली एवं भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु नानक राइस मिल, गांव चोपड़ी तरावड़ी, जिला करनाल, हरियाणा। संपर्क सूत्र 9896767700, 7082093700, 9468227222, 7027551000, 9050110009। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।